आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम घिया के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या सामान यूज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। घिया के कोफ्ते बनाने के लिए 500 ग्राम घिया लिया, 5 टमाटर, 2 हरी मिर्चे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1.5 कटोरी बेसन, आधा कटोरी धनिया, 2 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच सूखा कुटा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच गरम मसाला और कोफ्ते तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम घिया को छीलकर कद्दूकस कर लेते हैं। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। हमने अपने घिये को कद्दूकस कर लिया है और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बना लिया है। जो हमारे घिया में एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकालने के लिए हमने एक खाली बाउल लिया है और एक महीन कपड़ा लिया है बारीक वाला। मैं इसका आपको एक्स्ट्रा पानी निकालते हुए दिखाऊंगी। ये मैंने लौकी इसके अंदर डाल ली है। अब इस कपड़े को चारों तरफ से हम उठाएंगे और इस तरह से कर लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो हम निकाल देंगे। जो ये हमारा एक्स्ट्रा पानी, देखिए इसके अंदर से कितना पानी निकलता है। यदि हम पानी नहीं निकालेंगे तो हमारे कोफ्ते अच्छे नहीं बन पाएंगे। हमने घी का पानी निकाल लिया है, देखिए कितना सारा पानी निकला है इसके अंदर से। अब घी को हम बाउल में पलट देते हैं। मैंने मीडियम गैस पर कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर हम तेल डाल रहे हैं। थोड़ा तेल हम बचा लेंगे क्योंकि हमें कोफ्ते की सब्जी छोंकने में चाहिएगा। जब तक हमारा तेल गर्म होता है जब तक हम कोफ्तों का मिश्रण तैयार कर लेते हैं। कोफ्तों का मिश्रण तैयार करने के लिए हम घी में बेसन डालेंगे और इसके अंदर आधा नमक, आधी लाल कुटी मिर्च और अजवाइन। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें पानी का यूज नहीं करना क्योंकि घी में भी ऑलरेडी थोड़ा बहुत पानी है। देखिए हमारा घी और बेसन का मिश्रण इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा टाइट टाइट, इससे लूज ना हो। अब इसको हम हाथ से कोफ्ते बनाकर डाल रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम कोफ्ते डाल रहे हैं। कोफ्ते हमने डाल दिए हैं, इनको मीडियम गैस पे ही सेकना है। इनको आप आराम आराम से पलट दें, यदि जल्दी करेंगे तो तेल छलक जाएगा। हमारे कोफ्ते सिक चुके हैं, इनको हम आराम से निकाल लेते हैं और अपने बाकी कोफ्ते भी ऐसे ही बना लेते हैं। हमने अपने सारे कोफ्ते बना लिए हैं, अब हम कोफ्तों की सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। हमने मीडियम गैस पर पैन रख दिया है, अब इसके अंदर हम तेल डाल रहे हैं। करीबन 1 मिनट लगेंगे हमारा तेल गर्म होने में। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम जीरा डाल देते हैं। जीरे को सुनहरा होने तक हमें भूनना है। जीरा हमारा भून चुका है, अब इसके अंदर हम धनिया, हल्दी और लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। इन सभी को अच्छे से भून लेते हैं। इसको करीबन 1 मिनट तक भूनना है। मसाला हमारा भून चुका है, अब इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं।
अब हमारा मसाला अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इसके अंदर हम नमक और गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इनको ही मिलाकर हम मसाले को अच्छी तरह से एक मिनट तक हम भूनेंगे इसको। देखिए मसाला हमारा पूरी तरह से भून चुका है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। एक गिलास हमने पानी डाला है। अब इसके अंदर हम कोफ्ते डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिलाते हैं। अच्छे से इसको मिलाकर हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी सब्जी को उबाल कर देख लेते हैं कि हमारी सब्जी कैसी बनी है। हमारी सब्जी पूरी तरह से तैयार है। अब इसके अंदर हम हरा धनिया, कस्तूरी मेथी ये इस तरह से मैश करके डालें। और मिला लें। अब इसको हम बाउल में पलट लेते हैं। हमारे घिया के कोफ्ते की सब्जी खाने के लिए तैयार है। खाना भी खिलाना भी मुझे कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज के साथ। धन्यवाद।